बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में मज़े से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमेटो पुलाव। तो देखिए इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगी, आप मेरे साथ बने रहे। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। मैं कुकर हमने चूल्हे पर रख दिया है, 2 चम्मच में ऑयल ऐड करूंगी। चूल्हा चालू करूंगी। ऑयल गर्म हो जावे उसके बाद में मैं सब मसाले ऐड करूँ। चले तो फिर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 3 दालचीनी के टुकड़ी है, छोटे छोटे पीस है, 8 से 10 ब्लैक पेपर है, 1/2 चम्मच जीरा है, 1 ग्रीन इलायची है, इसमें ऐड कर दूँगी। मेरे पास कुछ सूखे कड़ी लीव्स है, फ्रेश नहीं है, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। टमाटर तो पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज ऐड कर दूँगी, जो बारीक चॉप करके रखी है, चॉप करके अभी ऐड कर दूंगी और इसे थोड़ा सोते होने देंगी। प्याज हमारी सोते हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज के टमाटो है, मैंने बारीक चॉप करके ले लिए और इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत अच्छा बनता है ये टमाटो पुलाव, बहुत टेस्टी बनता है। 1 चम्मच भर के, ये आइसक्रीम की चम्मच है, 1 चम्मच भर के मैंने 1/2 चम्मच जिंजर, 1/2 चम्मच गार्लिक, दोनों मिला के 1 चम्मच लिया है मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे अच्छी तरह से सोते करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन दूर हो जाए। दो चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक का कच्चापन दूर हो गया है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में मैं 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करूंगी, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी, स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड करूँगी। अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने 3 हरी मिर्च ऐड करूँगी, मैं साबुत हरी मिर्च। मैंने 2 मीडियम कटे हुए आलू काट कर रखे, वो भी ऐड करूँगी मैं इसमें। उस टेस्टी पुलाव बनता ही है, एक बार बना कर जरूर देखना। सिंपल सादा और इजी स्टाइल में तो इसमें मैं पुदीना भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, पुदीना और हरा धनिया दोनों ऐड किया है मैंने इसमें। अब मैं इसके 5 लोगों के लिए बन रहा है, मैं ये 1 लीटर की बोतल है, मैं इसमें 1/2 लीटर पानी डालूँगी। 1/2 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड किया, जो पानी हमारा उबल चुका है। मैंने 1/2 केजी चावल लिया है, इसे मैंने धोकर इसमें ऐड कर दूंगी, धो के रखा है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी।
जो दो नींबू है इसे मैंने काट के इसके साबुत ही ऐड कर दूंगी मैं इसमें। मैं राइस के हिस्से का नमक ऐड कर दूंगी स्वाद के मुताबिक। चलिए तो राइस में उबाल आ चुका है, मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी, इसे दो विसल आने दूंगी, उसके बाद मैं देखती हूँ। उसके साथ मैं फिश पकौड़ा ऐड बनाऊंगी। ये मैंने फिश का खीमा है, खीमा ले लिया है फिश का, फिश को बॉईल करके उसको इस तरह से खीमा बना लिया है। बगर काटे की फिश ली है मैंने, इसमें मैंने दो अनियन बारीक चॉप करके ऐड करूंगी, बारीक कटी हुई है अनियन को, सारा धनिया ऐड करूंगी, पीली मिर्च पाउडर है तीखा वो ऐड करूंगी, धनिया जीरा पाउडर ऐड करूंगी, एक अंडा ऐड करूंगी, नींबू ऐड करूंगी एक चम्मच जितना, इसे हाथों से मिलाऊंगी, इसके मैं पकोड़े बनाऊंगी। ये पुलाव के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है पुलाव के साथ में। स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी, उसको मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, फिर मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी। सॉरी, मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना भूल गई थी, एक चम्मच ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी, इसे अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। फिश पकौड़े का मसाला मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, कुछ टमाटर ऐड करेंगे और लंबी लंबी कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। अभी हम इसके पकौड़े बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं फिश के पकौड़े। कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसके लिए मैंने फिश को बॉईल करते हुए आपको नहीं दिखा सकी, मैं डायरेक्ट ही बॉईल की हुई फिश आपको दिखा दी। हमने एक फ्राई पैन रखी है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और गर्म हो जाए तो हम इसमें फिश पकौड़े ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, चूल्हे को हम तेज रखेंगे। चलिए तो फिर हमने फिश पकौड़े ऐड कर दिए, ऑयल में ऐड करते जा रहे हैं हम। बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं इसमें। चलो तो फिश पकौड़ा मैं डन कर लिया है, तो मैं पुलाव का क्या हाल है देखते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी तरह से पुलाव बन गया है। बस हमारे फिश पकौड़े बनकर बनेंगे, फिर सर्व करते हैं हम उसको। चलिए हम फिश पकौड़े को निकालते हैं। चलिए फिर पुलाव सर्व करती हूँ, मैं प्लेटिंग करती हूँ पुलाव की। टमाटो पुलाव बहुत टेस्टी बनता है, एक बार बनाकर जरूर देखना, इतना स्वादिष्ट बनता है और झटपट और इजी स्टाइल में। तो कैसी लगी मेरी टमाटो पुलाव और फिश पकौड़े की डिश,
अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को टेस्टेबल फूड को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।